हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी साहिबा खान एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग जो कि 2-3 दिन बाद मैं बना रही हूँ। ओके, और जिसका मैं इंट्रो भी लेना भूल गई थी। आज मतलब मैं ये काम कर चुकी हूँ जिसका मैं इंट्रो ले रही हूँ, जो मैं करके आ चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, सो व्हाट हैपेंड कि मैं बहुत सारे लोग आप लोग पूछते हो ना कि बी डिज़ाइन का काम दिखाओ, बी डिज़ाइन की चीज़ें दिखाओ। सो आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं बी डिज़ाइन का कैसे क्या शूट करती हूँ, कैसे क्या प्रॉपरली करती हूँ। आई विल शो यू दैट कि मैं कैसे, बिकॉज बी डिज़ाइन इज़ नॉट ऑल अबाउट मेकिंग क्लोथ्स ओनली, इट्स अबाउट कि आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हो, एंड फॉर प्रेजेंटिंग आपको बहुत मेहनत लगती है। सो फर्स्ट थिंग, या तो आप कोलैब करके करते हो, दूसरी चीज़, या अगर आप खुद भी शूट्स करके प्रॉपर शूट करके डाल रहे हो तो दैट इज़ अ बिग थिंग। ओके, सो आई हैव टू शूट फॉर माई न्यू कलेक्शन, दैट इज़ अ विंटर कलेक्शन, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज बीच में बहुत सारे काम चल रहे थे। तो मैंने अभी एक नया आउटफिट निकाला है जिसका मुझे शूट करना है, जो कि मुझे खुद करना है। मैं अपने डिज़ाइंस के जो भी शूट वगैरह हैं खुद भी करती हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपनी चीज़ें खुद बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लेती हूँ। ऑब्वियसली येस, आपको चीज़ों के लिए कोलैब की ज़रूरत पड़ती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोलैब होता है तो उसमें भी सक्सेसफुल होता है। सो मुझे उसका शूट करना है, एंड उसके लिए मैंने 2-3 चीज़ें, देखो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, मुझे उसकी नीड थी, ठीक है। येस, टाइम मेरे पास है नहीं, ऑनलाइन मैं मंगा नहीं सकती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ खुद ढूंढ लेती हूँ मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पॉसिबल है कि वो मिल सकता है। सो इसलिए मैं मार्केट गई थी, एंड नाउ आप जाओ और देख के आओ कि मैं मार्केट में गई हूँ, मुझे कितनी मुश्किल से ये चीज़ मिली है। पहले ये देख कर आओ, फिर मैं आगे बताती हूँ। शीशे की दुकान नहीं, अंदर अंदर भाई दुकान पर ले आयो। गोल्डन में नहीं है? नहीं, देख लो अगर मिल जाए तो। 10 दुकान वालों के पास मैं जा चुकी हूँ और किसी के पास भी मुझे अभी तक नहीं मिला है। अब मुझे एक लास्ट दुकान बताई गई है, उन्होंने बोला वहाँ जाके चेक कर लीजिए, वहाँ भी नहीं मिलेगा तो आप समझ लीजिए वहाँ मिलेगा ही, और अगर मुझे नहीं मिला तो मेरा काम होना बहुत मुश्किल है। अरे अंकल, बहुत देर से ढूंढ रहे हो, मुझे एक लोगों ने आपके पास भेजा है कि यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर शीशा एक दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, एक्वेरियम की शॉप के सामने, बगल ही में। अच्छा ठीक है। ओ भाई, इन्होंने भी मुझे दूसरी दुकान भेज दी है। Moments later. दूर से मुझे दिखी इनके पास भी नहीं मिला है। जी शीशे वाले हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मिल सकता है। हाँ भाई, नहीं उसी टाइप का चाहिए, हाँ वही चाहिए, सेम चाहिए। Hour later. जीत हो गई है, जीत हो चुकी है फाइनली। पूरी इतनी देर की दौड़ भाग की मेहनत पूरी सक्सेसफुल हुई है। अब मैं एक और सामान लेने जा रही हूँ, उसके बाद मुझे जाना है घर। यस, सो ये पूरा प्रोसेस था, मुझे इतनी मेहनत से जाके चीज़ मिली, फिर मैं इतना थक गई थी कि मैंने वहाँ पे भी, मेरा दिमाग इतना बिजी था कि मैं इंट्रो नहीं ले पाई। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं बाद में ले लूँगी इस ब्लॉग का इंट्रो। सो ये रही वो चीज़ जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, बट वर्थ इट है, बिकॉज आई एम श्योर कि जब शूट होकर आएगा तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि मुझे 1-2 मिरर शॉट्स चाहिए थे। आई नो लोग कहेंगे एक मिरर शॉट के लिए आपने इतनी मेहनत की, बट ट्रस्ट मी, आपके उस एक वीडियो में आप किस तरह से चीज़ प्रेजेंट करें ना, बहुत मैटर करता है। सो उस एक शॉट के लिए मैंने ये मिरर लिया है, एंड जब पूरी रील बन के आएगी और शॉर्ट बन के आएगा तो मैं ये यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डालूंगी। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन बी डिज़ाइन बाय साहिबा खान ऑन इंस्टाग्राम,
And as a cyber 72 also, that is my personal account, and the B design is my professional account. Personal account as in that a cyber 72 पे I do my digital creator वाला काम जहाँ पे मैं reels बनाती हूँ. Yes, मैं खुद भी दूसरे और brands के कपड़े पहन के चीज़ों को present करती हूँ. How I style my clothes, it's all about styling clothes on a cyber 72. And also मैं जो भी छोटे छोटे moments होते हैं उसको भी share करती हूँ. And B design पे मैं अपना पूरा प्रोफेशनल काम करती हूँ. ओके, तो चलते हैं, करते हैं काम थोड़ा सा. आज मैंने थोड़ा सा ज़िम्मा उठाया है कि आज मुझे बिरयानी बनानी है, ऑब्वियसली विच इज़ फर्स्ट टाइम. बिफोर योर शूट वगैरह करने से पहले आज मेरा मन था कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, नई चीज़ें सीखूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी तो चीज़ें सीखनी है. तो आज मैंने मम्मी से बोला कि नहीं, मुझे करना है, तो लेट्स सी कि कैसा बनता है, देखते हैं. इंशाल्लाह अच्छा बने, बस इतनी सी कोशिश है मेरी. And I am trying to make biryani for the first time. सब कोई अपनी लाइफ में सब कुछ पहली बार ही ट्राई करते हैं. मैं भी कर रही हूँ, विच इज़ अ वेरी बिग टास्क जिसको मैंने ले लिया है. एंड आई डोंट नो, बिकॉज ये सिर्फ आपके घर वालों को नहीं खानी, देर आर टू अदर पीपल फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब फैमिली फ्रेंड्स, जिन्हें भी खानी है, मतलब उन्हें भी खानी है. और इतना बड़ा टास्क लेने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है. बट सी, बहुत हिम्मत का काम किया है मैंने ये टास्क लेके. बट आज मैंने सुबह से सोचा है कि नहीं, आई विल डू इट टुडे, क्योंकि कभी ना कभी से तो शुरू करना है. आप ही जाने बस थोड़ा मेरे अंदर हुआ तो नहीं, मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है. सो आई एम ट्राइंग टू मेक बिरयानी फॉर द फर्स्ट टाइम, देखते कैसी होती है. या अल्लाह अच्छी बने. बस तुल, हेलो, डर नहीं लग रहा तुम्हें पहली बार मेरे हाथ की बिरयानी खाने में? थोड़ा बहुत तो डर है, थोड़ा कैसा एक तरफ मैं चाय और ले रहा हूँ पी ले, एक तरफ हमारा किचन हो रहा है और एक तरफ मैं हूँ नए टास्क को करते हुए, और एक तरफ ये है मेरे के मज़े लेते हुए, बना बना तू बना, देखती हूँ. बहुत डिमोटिवेटेड हो रही हूँ मैं, लेकिन नहीं, जा डर के आगे जीत है. फिलहाल मुझे ये सही शक्ल में दिख रहा है, ये भी मुझे सही शक्ल में दिख रही है, जिसको बड़ी मुझे अल्लाह जला दिया. अब ये चाय तो बेस्ट है. थैंक यू साहिबा, याद रखना पुराने घर में भी चाय तो मेरे यहाँ की पीती थी. हाँ, तो तुम चाय भी इतनी टेस्टी बनाती हो, इसीलिए एक ही चीज तो तुम कह दो आज तक सही बनाती हो. आप तो तुम नया ट्राई करने जा रही हो ना. अगर तुमको बिरयानी खानी है तो तुम्हें थोड़ा मेरा भी काम करना पड़ेगा. जी जी, मेरी जो सिखाने वाली टीचर है वो सही नहीं है. कुछ तो मैं अच्छा बनाती हूँ. फिलहाल मुझे मेरा चिकन देखने दो. आओ यहीं पे देख लो. एक तरफ मेरे चावल हो रहे हैं, यहाँ पे मेरा चिकन हो चुका है. जब चावल हो जाएंगे तब मैं जो आपका पूरा परात वाला होता है वो करूँगी. देना है
यस बिरयानी लग चुकी है दम पे बहुत सारी मेहनत के बाद एंड आई एम जस्ट होपिंग कि इंशाल्लाह वो अच्छी बने। जब तक बिरयानी दम पे लगी हुई है तब तक मेरे को एक और चीज़ दिखानी थी जो बतानी थी। आई नो वो शायद आप लोग के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगी। और वो चीज़ जब मैंने पहनी थी तो पसंद भी की गई थी। मैं एक कॉर्ड सेट की जो अप्पी को जब मैं लेने गई थी जिस व्लॉग में मैंने बनाया था वो बहुत अच्छा लगा था सबको। सो मुझे सेम कॉर्ड सेट, मतलब मैं मीशो का सुनती थी बट मुझे मीशो पे सेम कॉर्ड सेट दिखा है एंड यू कांट बिलीव वो कॉर्ड सेट मेरे लिए मेरी भाभी लाई थी नैनीताल से विच कॉस्टेड हर अराउंड 1K, पूरा 1000 का था वो। एंड यू कांट बिलीव आई हैव सेम कॉर्ड सेट हियर जो कि मैंने मीशो से लिया है, सिर्फ मैंने कलर चेंज किया है एंड आई गॉट इट फॉर 545 rupees। सिट मतलब 545, मतलब आई वॉज लाइक शिट, इतना सही रेट में मिल गया है, वो भी उस कॉर्ड सेट के लिए नैनीताल जाना पड़ा था और उसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ा तो घर पे चल गया है। एंड इतना प्यारा कलर है ये, मतलब आई एम लविंग इट कि इतना प्यारा है एंड आई कांट वेट टू वेयर इट। और अगर लाइक फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, यू कैन गो एंड आप वहाँ से इसको ले सकते हो डायरेक्टली एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, प्लीज़ गो एंड बाय इट, बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। यस एंड मुझे तो पसंद आ गया, अब चलती हूँ वापस अपनी बिरयानी देखती हूँ, कर दिया मैंने। एंड ये कोई भी ये मतलब मैं ऐड उसके लिए नहीं कर रही हूँ, ये मुझे बेनिफिशियल हुआ है, मुझे फ़ायदा हुआ तो इसलिए आई एम टेलिंग यू ऑल्सो कि आपको भी हो सकता है इससे फ़ायदा हो जाए। सो प्लीज़ यू कैन गो एंड बाय इट, मैं लिंक यहाँ डाल दे रही हूँ, अब चलते हैं वापस बिरयानी देखते हैं। टन टड़ा 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 ये काम मैं नहीं कर सकती अभी, ये थोड़ा रिस्की है मिलाने वाला काम पक्का अम्मा का। चलिए चलिए जल्दी जल्दी सब लोग बताइए, इन्हें भी थोड़ा जल्दी लुकमा उठाइए, इन्हें भी नौटंकी वाला नहीं समझी सही बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ बुतू तुम्हारे मुंह में जा चुका है लुकमा, अब जाना है। मास्टर शेफ आएंगे सच में भैया, ली बुतूल से ही लेके चखो, बताओ मुझे। ले रही हूँ मैं, सच में हो चुका है नेक्स्ट डे एंड हो चुकी हूँ मैं तैयार, लाइक आई सेड कि मुझे बिग डिज़ाइन के लिए शूट करना था एंड दिस इज़ द आउटफिट। अभी मैं पूरा प्रॉपर दिखाती हूँ, मेरा मुंह तैयार हो चुका है, कपड़े तैयार हो चुके हैं, बस मुझे जल्दी से बाल का वो करना है एंड आई एम लविंग इट। प्लीज़ बताना कैसा किया है, मुझे तो लग रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छा किया है। सो अभी मैं पूरा प्रॉपर बाल वाल करके फिर बताती हूँ फाइनल लुक। एंड अभी पूरा सूट नहीं दिख रहा, अभी मैं जिस वक्त शूट करूँगी उस वक्त मैं पूरा आउटफिट आपको प्रॉपरली दिखाऊँगी एंड दिस इज़ मी। और आज मैंने प्लान किया है वहाँ पर करना है, तो उसके लिए कि ऑब्वियसली शूट ऐसे नहीं हो जाता कि एकदम से बस कहीं भी खड़े होकर करो, क्योंकि अच्छा सा शूट दिखाने के लिए कुछ चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपरली बैकग्राउंड और सेटअप देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें ऊपर लेकर आई हूँ, पहले मैं उसे कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ये कारपेट है जो मैं लाई हूँ और जिसे मुझे यहाँ पे
बाल कुछ फिक्स हो रहे हैं यहाँ पर फटाक से, सेटअप रेडी हो गया है। ये वो मिरर है जिसके पीछे इतनी मेहनत हुई है, सेटअप हो चुका है रेडी। मैंने बोला था जैसे मुझे कुछ चीज़ें करनी थी, यहाँ मैंने कारपेट डाला है, यहाँ पे मैं रैक्स लेके आई हूँ, यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगा दिए, थोड़ा सा मुझे वो विंटेज टाइप देना था। एंड देखो मिरर आ चुका है यहाँ पे, एंड दिस इज़ मी, और इधर पे मैंने ये रखा है, यहाँ पे मैं बैठ के करने वाली हूँ, दिस इज़ भाभी जो कि मेरा शूट करने वाली है। और भाभी चलो कर, चलो व्लॉग बनाए मैंने इतना यहाँ पे बैठ के व्लॉग रील रिकॉर्ड करने वाले से लेके रील बनवाने वाले की हालत बुरी हो जाती है। एंड फाइनली हमारे शॉर्ट्स भाभी हर हद तक पूरे हो चुके हैं। भाभी जिस तरह बैठी मैं अगर दिखा दूँ, लेकिन फाइनली आई एम होपिंग कि अब जितने अच्छे से उसको शूट किया उतने अच्छे से ही प्रेजेंट होगा इंशाल्लाह। ओके, तो शूट हो चुका है, डन। फोटोग्राफर ने कर ली है बहुत मेहनत, और आज मैंने भाभी से मतलब दो दिन से था ये प्लान कि ये रील शूट होनी है। कल मौसम बहुत ख़राब था, आज भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है ऐसे ही, लेकिन आज में धूप आ रही है, तो लेकिन मैंने सोचा आज मैं करके उनकी फोटो रील और वीडियो करते करते ऐसा लग रहा है मुझसे किसी ने 100 सिटअप्स करवा लिए। हाँ सच में बहुत मतलब बैठ के लेना, ऐसे ट्रस्ट मी, ऐसे बार बार मुँह ऐसे करना, हंसना, मुँह बनाना, आंखें चढ़ाना, भाई फोटोज खिंचाना बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। सो यस, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि मैं इसको जितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। एंड द वे यू आस्क कि आप बी डिज़ाइन और अपने डेली रूटीन की थोड़ी चीज़ें करिए, तो यस, ये है मेरा डेली रूटीन का कि ए साइबर 72 के लिए मुझे जब रील्स बनानी होती है तो मेरा पूरा दिन ऐसे जाता है, फोटोग्राफर ऐसे होता है, ठीक है। और बी डिज़ाइन पे ऑब्वियसली ये वर्क जाने वाला है, थोड़ा सा लेट हो गया है, बट आई एम हैप्पी कि आज ये फाइनली आउटफिट चला जाएगा। वी ट्राइड आर बेस्ट। एंड ये जूतियाँ मैंने इसके साथ पहनी थी, दिस इज़ द कलर ऑफ दुपट्टा, एंड सूट मेरा पूरा दिख गया होगा, एंड ये पूरा मैंने यहाँ सेटअप किया था। हाय भैया, भैया यार क्या हो रहा है? ये फोटो खींच रही है, ऐसे बोलोगे? भैया आराम से, नहीं नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओके, तो मैं कर रही हूँ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मेरे साइड से जितना सोर्स ऑफ न्यू एक पास्ता सर्व कर दो हमें, भैया को लग रहा है कि वो होटल में बैठे हुए हैं। यहीं पे करती हूँ मैं व्लॉग ख़त्म। मेरी तरफ से जितना मैं डिटेलिंग दे पाई हूँ वो मैंने दी है कोशिश। एंड यस भाभी, मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, बता दो कल बिरयानी कैसी बनी थी। हाँ साहिबा ने जो बिरयानी कल बनाई थी बहुत टेस्टी बनी थी, लिटरली बहुत टेस्टी बनी थी, लग नहीं रहा था कि फर्स्ट बार अभी बची और हम लोग जाके अभी खाएंगे। हाँ, सच में। तो यहीं पे ये व्लॉग करती हूँ खत्म। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, एंड आई एम वेटिंग की खुशबू भी जल्दी वापस आए मेरे व्लॉग्स में। सो यस, सी यू सून विद अनदर व्लॉग, एंड प्लीज शॉर्ट्स एंड रील जाके देख लेना।